पहले तो थैंक यू सो मच शिमार और सर हम पे ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन का पहला कॉमेडी शो है जब से मैंने और हर्ष ने ये प्रोडक्शन हाउस खोला है। और इतनी बड़ी कंपनी शिमारो, कहते हैं ना कि ये लोग इतने पुराने हैं कि शायद जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, और हम पे ट्रस्ट करने के लिए पहली बार। सो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सब यंग हैं। आई नो कि कहते हैं कि जो पुराने लोग होते हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, पर जब तक नए लोग अपना नया टैलेंट नहीं दिखाएंगे तो नए की बारी नहीं आएगी। सब यंगस्टर का हम बुढ़े होने का वेट करते रहेंगे कि भाई ये थोड़े बुढ़े हो, एक्सपीरियंस वाले हो तब। अक्षय हमारे शो के डायरेक्टर है, जो मुझे लगता है कि इस टीवी या डीटीएच जितने भी प्लेटफॉर्म है उनमें जो शोज होते हैं सबसे यंग डायरेक्टर है। और अक्षय ने हमारे साथ कॉमेडी सर्कस से ही सब शुरू किया था। बट जितने भी नए लोग हैं, मतलब कहीं छोड़ के चले जाते थे हमारी दूसरी कंपनीज में से और बोलते थे कि आप कुछ करोगे तो हमको प्लीज़ ज़रूर बोलना। इस शो में हमने उन सबको मौका दिया है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे स्पॉट में हो, चाहे ड्रेस में हो, चाहे सेट बनाने में हो, सब लोग हमारे साथ। वही टीम है हमारी पुरानी, और पति तो चलो नया ही है रिलेशन पुराना था। बहुत मज़ा आया शो करने का। और अब पता चलता है कि जब कोई दूसरे शो करते हैं तो वो बोलते जल्दी करो यार, जल्दी करो, बजट बढ़ रहा है। अब अपना ही पति रूम में आके बार बार कहता था जल्दी करना काजल, वहीं पे जाके लगा ली, पैसा बढ़ रहा है यार, मेरे को शिफ्ट बढ़ जाएगी। तो अभी और ऊपर से गुजराती हैं तो सुबह ही बोलते रहते कल शूट है, खाना रात को ही बना ले, अपना ही लेके जाएंगे, वहाँ से नहीं मंगवाएंगे। तो गुजराती सोच। और बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये डीटीएच के लिए कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ये इंटरनेशनल शो कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग थे सबने बहुत एंजॉय किया। और अक्सर जब हम चैनल्स पे शो करते हैं तो चैनल सर पे आके बैठता है, बहुत गलतियाँ निकालते हैं ये वो, ये लोग वाकई इतने अच्छे हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये चेंज आपको जैसा लगे, इतने प्यारे लोग हैं। मतलब आप मतलब हमारे साथ ही अच्छे हुए हैं सर, कि बाकी सबके साथ भी अच्छे ही थे आप, मतलब हमारी चीज़ों को इतना, मतलब हमें बहुत सहमति मिली इनसे। कहते ना जब आप खुल के किसी को कुछ करने देते हो ना तो वो चीज़ अच्छी बनती है, वरना चैनल सर पे बैठे रहते हैं ओ नो नो भारती का काजल देखो, उसके ऊपर से बाल उड़े हुए हैं, ये ड्रेस नहीं चलेगा, वो सब। ये हमें लग रहा था कि हम घर का शो कर रहे हैं, फैमिली की तरह पल्लवी ये सब लोग आते थे, तो एक सहेलियाँ होती है ना, नहीं नहीं आप पे बहुत अच्छा लग रहा, सब बड़े प्यारे लोग हैं। और हम चाहेंगे कि इसका दूसरा सीज़न भी आए सर, और हम इसको और बड़े तरीके से करें। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये शो के साथ सिटीज़ में भी जाके इसको प्रमोट करूँ और बात करूँ कि यस, कि अभी चैनल्स नहीं डीटीएच भी बहुत कुछ कर रहे हैं, वो चैनल्स भी बहुत है। जब लोग चाहते हैं कि अरे भारती को देखें, हम देखें, और ये इतने सस्ती चीज़ें हैं कि आप थोड़े से पैसे दे के भाई भारती को देख सकते हो। सो हमारी तो सर से यही रिक्वेस्ट है कि ये सीज़न बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है। और 3 नवंबर को ये, यानी कि परसों लॉन्च हो रहा है, 3, इन्होंने 3 डेट निकाली, और मैंने अभी इनसे बात की कि 3 हमारे लिए बहुत लकी है। जैसे कि हमारे प्रोडक्शन हाउस का नाम H3 है, H4 हर्ष, और 3 हमारा, मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हमारा लकी नंबर भी है, और 3 तारीख को ही लॉन्च हो रहा है। मैं तो कह रही सर आप ही अपना बर्थडे 3 तारीख को रख लो फिर चाहे 22, 23 जब भी हो। सो थैंक यू सो मच हम पे ट्रस्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच मीडिया कि जब भी कोई खुशी की घड़ी होती है आप हमेशा साथ देते हो। तो जितने भी फैंस और या फिर व्यूअर्स हमको आपके थ्रू देख रहे हैं, उनसे बस यही है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जैसे बाकी शोज में आपने बहुत प्यार दिया है, इसमें भी आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम दूसरा सीज़न लेकर आएँ। बाकी अभी पति को बोलने देते हैं, है ना, वरना बोलेगा सारा तूने ही बोल दिया। हर्ष मुझे आपसे पर्सनली पूछना है कि घर पे तो मुझे पता ऑब्वियसली भारती ही आपको डायरेक्ट करती है, सो मतलब एक शो शादी के बाद इकट्ठा और वाइफ को डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग था? इतना भी ज़्यादा नहीं था हालांकि, क्योंकि वही घर वाली फीलिंग ही आती थी, बिकॉज चैनल भी एकदम दोस्तों की तरह, हाँ ठीक है कब शुरू कर रहे हो, आधा घंटा लगेगा, हाँ कोई बात नहीं हम बैठे हुए हैं। और भारती को कभी लेट होता था, लेकिन हाँ ये मैं कहूँगा कि भारती ने बहुत मेहनत की है, बिकॉज एक दिन में हम यूजुअली 2 ही एपिसोड शूट करते हैं, कहीं भी आप गलर्स का शो देखो, कहीं भी देखो, हमने एक एक दिन में 3 से 4 एपिसोड शूट किए हैं। और उसमें आई कैन अंडरस्टैंड कि एंकर का क्या हाल होता है, बिकॉज उसको इतना ज़्यादा थकान हो जाती है, इतने ज़्यादा सवाल, 3-3 आर्टिस्ट आ रहे, एक आर्टिस्ट आ रहा है, ये करना वो करना, मतलब भारती ने सीरियसली बहुत मेहनत की है शो के लिए। और मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी थोड़े 1-2 शो किए टीवी के, तो मुझे समझ लगता है कि कैमरे के सामने आप कितने थक जाते हो, बिकॉज आपको याद रहता है कि कैमरा चल रहा है तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते, वैसे नहीं बैठ सकते।
तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन थैंक यू सो मच भारती। एक बात और कहनी थी, पैसा अभी तक नहीं दिया इधर से आ गया हुआ है, हर्ष देना मत। अरे घर की बात है कर लेंगे, तो वो घर की बात मुझे लगता है कि दे देने चाहिए ना पैसे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कहता जितना भी पैसा मिला उसमें सिर्फ 1,00,000 मैं रखूंगा, बाकी तेरा। वो गुजराती नहीं जो पैसा देते हैं। अक्षय, आई लाइक टू आस्क यू आल्सो कि जैसे भारती ने कहा कि आप यंग डायरेक्टर हैं, तो इतने सारे बड़े आर्टिस्ट थे शो में, भारती हैं, कृष्णा हैं, करण वाही हैं, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना चैलेंजिंग रहा है, कितना मजा आया, कोई अच्छा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको अभी भी याद आता है कि शो के दौरान ऐसा हुआ? जैसे कि मेरे को ध्यान है कि जब करण वाही आया था एपिसोड में, भारती मैम की ना एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि अक्सर हम इन ईयर यूज करते हैं तो कुछ होता है कि हम इन ईयर में कुछ पंच आया, या हर्ष भाई को कुछ पंच आया, किसी को पंच आया, हमने इन ईयर में बोल दिया। तो करण भाई आया था, करण भाई पे हमने एक तो बहुत ज्यादा लड़कियों की बात बोल रहे थे, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे, तो सडनली ना मेरे मुँह से इन ईयर पे निकल गया कि भारतीय इसको बोलो ना, इसको बोलो कि इसकी आवाज थोड़ा आराम कर दिया, ऐसी फिगर भी आराम कर दिया, ऐसा होता रहा है, थोड़ा मोटा हो गया। भारतीय हमने वही लाइन रिपीट करते करते एंड का वर्ड चेंज कर दिया। मतलब इनकी क्वालिटी है कि अगर एक होता है ना कि कान में कोई बोल रहा है, बोले यारे तो वैसे रिपीट कर रहे हो, ये भारतीय मैम की क्वालिटी है कि ये पूरा पंच भी सुन के ना, जैसे कॉमेडियन होता है उसको पूरा पंच बोलना है, मगर आप उसे कुछ पंच बोल रहे हो, उनमें इतना फास्ट उनका प्रोसेस है ना पंच मेकिंग का, सुनने का, कि वो तुरंत एंड वर्ड एकदम चेंज कर देती है, उन्हें पता है कि हाँ नहीं ये इस पे बुरा लगेगा नहीं लगेगा, चाहे पंच कैसे भी हो। और दूसरी बात, मैं भारतीय मैम की बात से एग्री करता हूँ कि सच में पल्लवी एंड प्रियंका ने इतना साथ दिया है कि बहुत कम चेंजेस दिए, थैंक यू सो मच इसके लिए। पल्लवी अभी भी बड़ा साथ दे रही है, घुटनों के बल ही प्रियंका से इनकी मन्नत है जब तक टेलीकास्ट नहीं हो जाता ये ऐसी रहेगी। लेकिन सच में सीरियसली हमको बहुत मजा आया और कोई प्रेशर नहीं था सर पे, जैसा आपको करना कीजिए, और हमारे लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, मुझे तो बहुत मजा आया, हर चीज में सपोर्ट किया कि अगर आपको फील आपको फनी लग रहा है, अगर आपको फनी लग रहा है और आप कन्विंस है इस चीज से, तो प्लीज आप करिए। तो ये बहुत, मैं बाकी चैनल को भी बोलना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा ऐसा करिए हमारे साथ, हम भी थोड़ा खुल के काम करें। अब शो की बात तो बहुत होगी, लेकिन हर्ष अभी तक मैंने भी किसी को शो का नाम यहाँ पर नहीं बताया, तो मैं चाहती हूँ कि आप और भारती मैम दोनों बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है और थोड़ा सा शो के बारे में। बहुत सारे इंटरव्यू बेस्ड शो आ गए हैं मार्केट में, आ चुके हैं बहुत सालों से, इंटरव्यू एक बहुत शायद बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है जो सालों से होती आ रही है। तो मैं भारती हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कैसा शो बनाए जो हो सेम, जिसकी लोगों को आदत हो बट थोड़ा अलग हो। तो भारती ने बोला कि चैट शो करते हैं, बिकॉज लोगों के साथ बातें करना भारती को बहुत अच्छा लगता है। और भारती ने उसके बाद एक बोला कि यार जो भी आएगा मैं उनके साथ बस बातें करूंगी, बिकॉज और दोस्त भी ऐसे होंगे जिनके साथ मैं इन एंड आउट सब पता है, तो मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। सो शो का नाम तो भारती बताएंगी, लेकिन शो बहुत शो का नाम है जी भारती का शो, आना ही पड़ेगा, मतलब कोई बहाना नहीं, ये गुस्से में भी एंड में कहा आना ही पड़ेगा, और जिन जिन को बोला उनको आना ही पड़ा है, और बहुत सारे लोगों ने इसका प्रोमो जो हमने डाले मैंने अपने सोशल मीडिया पे, ए मेरे को क्यों नहीं बुलाया, ये कौन सा शो है, मेरे को क्यों नहीं बुलाया, तो मैंने बोला कि हाँ इसके 10 सीजन कर रहे हैं हम, तुमको सेकंड सीजन में बुलाएंगे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, इवन कि जैसे आप सबको पता है कि कपिल भाई भी आ रहे हैं, उनका शो भी आ रहा है जो मैं कर रही हूँ साथ में, तो उन्होंने भी पूछा अरे ये कौन सा शो तू कर रही है, मैंने बोला हाय भाई अच्छा, मैं कहा भाई आपको आना है, हाँ हाँ जरूर आऊँगा। तो जितने भी अपने लोग प्यार वाले होते हैं उनको बोलना ही नहीं पड़ता कि भाई मेरा परसों शो है आपको आना है, तो आना ही पड़ेगा, इसलिए रखा कि ये मेरी जिद है कि ये भारती का शो है आना ही पड़ेगा। जैसे मैं इसको बोलती हूँ कि 9 बजे घर आ जाना और आना ही पड़ेगा, ये बेचारे 8:45 बजे आ जाते हैं। भारती मैम अपने स्टाइल में जैसे आप शो की शुरुआत करती थी भारती का शो आना ही पड़ेगा, तो एक बार हो जाएगा। बिल्कुल, मैं बड़े गुस्से से करती थी, वेलकम टू भारती का शो आना ही पड़ेगा, तो सारे आ जाते थे बेचारे। और 3 तारीख से देखिए भाई आप लोग भी, और मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ये बाकी सारे शोज होते हैं कि आपने ये क्या किया, ये बहुत पर्सनल शो है, पर्सनल बातें हैं कि आपकी शादी कब हो रही है, आपको कोई लड़की पसंद है, ये मतलब बहुत घरेलू बातें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने करवाई हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म पर नहीं आपने देखी होंगी, और सुंदर लड़कियों को थोड़ा बदसूरत भी बनाया है, ऐसी ऐसी गेम्स भी करवाई हैं, सो इसके लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा। और बस अब तो आप सबको यही बोलूंगी कि भारती का शो देखना ही पड़ेगा, तो आप लोग देखिएगा और बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा, ताकि हम जल्दी दूसरा सीजन लेके आए ना, और थोड़े पति दे दे बसे। सो
तो हाँ, 3 नवंबर को हम शुरू कर रहे हैं जब ये शो लॉन्च होने वाला है सारे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पे, एयरटेल पे, डिश पे, टाटा स्काई पे और वीडियो कॉन पे. सो कमेंट्स देने ही पड़ेंगे. बिल्कुल 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 देने ही पड़ेंगे. अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सो हु विल स्टार्ट फर्स्ट. सो भारती, वी हैव सीन यू होस्ट बहुत सारे शोज, लेकिन एक चैट शो होस्ट करना क्या चैलेंजेस थे आपके और कितना मजा आया? चैट शो मुझे चैलेंज नहीं था मेरे लिए. मेरे लिए बहुत मतलब मुझे लोगों से बातें करने का बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि तब तक स्क्रिप्टेड ही करते हैं. जैसे कॉमेडी शो में देखा अपना ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपसे जैसे और कैसी हो, इसके बाद कहाँ जाओगी, आज मम्मा ने क्या बनाया, दिवाली, ये सारी बातें करने का टाइम नहीं मिलता. मुझे कॉमेडी करने का टाइम मिलता है जो स्क्रिप्टेड होती है, जो कर लेते हैं. ये बातें करनी थी मुझे कि कृष्णा कैसे हो भाई, आजकल आपका कोई शो नहीं आ रहा तो वेले रह के कैसा लग रहा है, तो ये पर्सनल बातें. तो ये इन्होंने मौका दिया है कि हाँ जी आप मतलब कहते ना कि सीधी बैंड नहीं बजा सकते, कंबल भी नहीं, इस बार चादर दी है, चादर में ऐसे करके जूते करके से हमने थोड़ी सी बैंड बजाई है, लेकिन बहुत मजा आया है. और चैट शो का मेरी जो बहुत बड़ी इच्छा थी वो शिमारो ने पूरी कर दी. थैंक यू सो मच सर. और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला जिनके साथ एक एक डेढ़ साल से मिली नहीं थी, तो उनके साथ भी मिलने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे. और कितने एपिसोड्स हैं टोटल इस सीजन? अपने 13 एपिसोड है ना, 13 एपिसोड है. आप देखना. नेक्स्ट. शर्माओ ना भाई, पूछ लो क्या हो गया. हाय भारती जी. हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने कुर्सी के पीछे आपकी थोड़ी सी आए ऐसे देख ली थी. हाँ जी. शो का नाम है भारती का शो, आना ही पड़ेगा. कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको आपका इंतजार है कि इन्हें लाना है, इन्हें आना ही पड़ेगा है? हाँ जी, बच्चन साहब. ओके, तो केबीसी में गई नहीं अभी तक, तो उनको शायद मेरा इंतजार है कि आना ही पड़ेगा. बट जब भी बुलाए तो सीजन खत्म होने वाला है. कोशिश करेंगे हम भी उनको लेकर आए अपने शो में. और पता नहीं, हर्ष को तो इंतज़ार था लाइफ में आना ही पड़ेगा, बट मैं आ गई. लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो मेरे बारे में सोच रही है कि आना ही पड़ेगा. आप बताओ, आप सोचते हो? सोचते हैं आपके बारे में हमेशा. शर्म आनी चाहिए, पति बैठा मेरा, कैसे सोच सकते हो? ये छूड़ा भी नहीं उतरा अभी, मतलब छोड़ भी है. हाँ, मैं सोचता चाहे वो शाहरुख हो, रणवीर हो, ये वो, तो आपके पति कुछ नहीं कहते, तो इनसे पूछा था, तो ये बोलते कि इन ईयर में मैं ही बोलता हूँ, पप्पी कर ले, गले लग जा, गले लग, तो यही करवाते हैं इसका. बस थैंक गॉड ये कभी एक्टर ना बने, मैं इनको नहीं करता हुआ देख सकते. हर्ष जी आप बताइए, आप तो मतलब प्रोड्यूसर भी हैं इस, मतलब कोई ऐसी पर्सनालिटी जैसे कि भारती जी ने बताया कि बच्चन साहब का इंतजार रहेगा आप? मैं शाहरुख सर को, मेरे को शाहरुख सर का इंतजार है कि वो, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका और कई बार उनके लिए थोड़ा बहुत लिखा है कॉमेडी शोज में, तो वो उनका इंटरव्यू करने में बहुत मजा आया बिकॉज उनके जितना कैंडिड और ऑनेस्टली विटी आंसर देने वाला आई डोंट थिंक सो कोई और है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत रोमांटिक है एंड फिर भारती जी का वहाँ भी रोमांस स्टार्ट हो सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? करेक्ट भारती, मन्नत वाला बंगला इनको भी पसंद है, अगर एक दो पप्पियों से मिल जाता है तो अच्छी बात है ना. हाँ, ये भी है, ये भी है. हाँ जी, और जी. हाय भारती. हेलो जी. सो भारती, कॉमेडी के साथ साथ कुछ प्रेशर भी है आप पर कि कुछ ऐसा कॉमेडी चीट चैट शो जो काफी आ चुके हैं, आप कुछ न्यू तरह कुछ लाने वाली हैं, ऐसा कुछ प्रेशर भी है आप पर? प्रेशर अभी तो बेबी का प्रेशर है. शादी हो गई, 9 महीने हो गए, तो सब कर रहे हैं ना कब खुशखबरी, मतलब उनको लगता है शादी करो इसके बाद यही कर लो. प्रेशर मेरे पे कभी नहीं रहा और कॉमेडी कभी प्रेशर से नहीं होती. शादी के बाद मैंने काफी ब्रेक लिया था और ये हर्ष ने कहा था कि जब मन करे तब करना. थोड़ा इतने 8 साल काम किया, अभी शादी के बाद थोड़ा ब्रेक लेती, तो मैंने बहुत बहुत जैसे अभी कॉमेडी सर्कस हुआ वो मैंने नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की रात वो मैंने नहीं किया, तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना था क्योंकि 10 साल इस चीज़ को टाइम दिए, घर एक ही बार बसा है अभी और भगवान करे बसा ही रहे, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा टाइम दे रही थी, हर्ष को, अपने सास ससुर को, अपनी फैमिली को. और अब बैक टू बे वापस आई हूँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, ये भारती का शो आना ही पड़ेगा और बहुत सारी अपकमिंग चीज़ें हैं,
तो प्रेशर कभी भी नहीं मैं लेती, मैं हमेशा मस्ती से काम करती हूँ। वो अक्षय को पता है क्योंकि अक्षय डायरेक्टर है, वो इन ईयर पे वही होता है कि इसको ये बोल दो, अब ये बोल दो, तो उसको भी पता है कि उसने बोल दी लाइन, चाहे मैं अभी 15 मिनट बाद बोलूँ या 2 मिनट बाद बोलूँ, मुझे बोलनी है, मैं कभी प्रेशर नहीं लेती। और कॉमेडी जितनी आप मस्ती से करेंगे ना तभी होगी, प्रेशर नहीं भाई, प्रेशर तो सुबह नहीं लेते हम। भारती, आपने स्टार्ट किया था एक छोटे से सिटी से आई आप, तो आज आप लाफ्टर क्वीन है, तो कुछ इमोशनली कुछ कनेक्शन होता है आपका पर्सनली? बहुत होता है भाई, और आज भी बड़ा दुख होता है कि जिस लड़की को भी पूछो ना कभी जाओ शोज करने कि क्या बनना है, मुझे ना मॉडल बनना है, मुझे ये करना, कॉमेडियन कोई भी नहीं बोलता लड़की, उनको लगता है कि मजाक का विषय, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ सामने वाला बोलता है आप हमको मत बोलना, वो डर जाते हैं कि अरे क्या बोलेंगी आप, ये वो, मतलब थोड़ा हो जाता है। तो मुझे भी ये होता है कि मेरे कंपटीशन में भी कोई आए ताकि मुझे भी मेहनत करने का मौका मिले, मुझे मेहनत करने का मौका मिल ही नहीं रहा क्योंकि सामने कोई आ ही नहीं रहा। सबको मॉडल बनना है, सबको हीरोइन बनना है, लेकिन मैं एक बात पहले भी मैंने बोली अभी भी बोलती हूँ कि जो हीरोइन मॉडल ये एक बार आते हैं फिर फ्लॉप हो जाते हैं, कॉमेडियन कभी फ्लॉप नहीं होता। चाहे वो जॉनी लीवर जी ले लो, 20 साल पहले भी फिल्मों में आते थे और हंसते थे हम, और आज भी उन पे हंसते हैं। सो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक कॉमेडियन हूँ, और लड़कियाँ सोचती कॉमेडियन बन जाएंगी तो लड़के मतलब मजाक उड़ाएंगे, शादी नहीं होगी, इधर देखो हो गई, पति भी डरता है और अपनी बीवी को लेके शो बनाया, मजा आ किसी को लेके बनाया हो। वैसे तो इनका था कि सनी लियोनी को लेके बनाऊँ मैं तो ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन डर अपनी जगह होता है ना, करवा चौथ भी तो रखा था ना, मैं सारा दिन डराती रही, मैं ज्यादा कुछ किया तो पानी पी लूंगी। तो भारती जी कंपटीशन की बात हो रही थी, आज करंटली आप किसे सबसे बड़ा कंपटीशन मानती है आप? कंपटीशन सामने तो अभी कोई है नहीं जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन जिनको मैं पसंद बहुत करती हूँ वो है कपिल भाई और कृष्णा, मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और सुदेश जी उनकी कॉमेडी अलग ही है, मतलब आप कभी नॉर्मली उनसे बात करेंगे ना तो वो पता नहीं चलेगा आपकी कब खींच गए, पर आपको लगेगा कि आपकी तारीफ कर रहे हैं। सो ये दो तीन लोग हैं जिनको मैं बहुत मेरे कॉम्पिटिटर हैं और इनको पसंद भी करती हूँ और जेन्युइनली मैं इनकी फ़ैन भी हूँ, और बस एक साथ आ रहे हैं आप देखिएगा ताकि फिर पता चलेगा क्या कॉम्पिटिशन है। हर्ष जी एंड भारती जी, जैसा कि आपने बताया कि किस हमने ए भी तो थोड़ी सी देखी, तो किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपके शो में? क्यों, हम पहले बता दे फिर आप देखो ही ना, हम 3 तारीख को देखो ना। हाँ वो तो जस्ट फिर मुझे फोन करके बोलना कि कैसा लगा आप, 9 बजे से पहले करना, फिर ये आ जाते फिर लंबी बात नहीं कर पाएंगे। किस तरह के शो, किस तरह सवाल पूछे जाएंगे आपके शो में? सवाल काफ़ी हम थोड़ा भी बहुत कोशिश की है कि हम सीरियस जोन में ना जाएं, बिकॉज आप जब टीवी ऑन करते हो तो वैसे नेगेटिविटी बहुत फैल रही है, तो हमारा था कि जिंदगी में मस्ती मजाक हंसते हंसाते थोड़ा वो मेरी बेइज्जती करे, थोड़ा मैं उनकी करूं, हंसते खेलते एपिसोड निकाल दे, तो वही था कि ये शो में ना ही कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है ना ही कोई इमोशनल सवाल है, बस है कि मस्ती वाले सवाल है भाई कि क्या कर रहे हो, वो सवाल जो मीडिया भी पूछने से डरती है, और आपस में हम लोग सिर्फ एक अपने घर में आपस में बात करते हैं या व्हाट्सएप पे जो सवाल एक दूसरे को पूछते हैं कि भाई आजकल खा लिए क्या कर रहा है, पैसे वैसे है कि नहीं, वो सवाल हमने सोचा कि हम यार टीवी पे पूछे, और वही सवाल है। और ऐसा नहीं कि हमने उनकी टांग खींची है, मेरी भी बहुत टांग खींची गई सामने से, तो वो होता ना कभी वो सिक्सर मारे कभी हम सिक्सर मारे, तो दोनों को वक्त देना चाहिए, अगर आप भी सिक्सर मारे और वो भी तो फिर बॉल टूट जाएगी ना, तो कभी उनको कभी हमको, तो मतलब मेरी भी काफी हुई है। लेकिन हर्ष जी जो कम्प्लेन की है भारती जी ने आपके खिलाफ की है, पैसे नहीं देते हैं आपके खिलाफ खुशी वाला थाने में, तो ऐसा क्यों? अब क्या बता, अब घर की बात है यार, मैंने बोला यार घर है अभी यार बीवी थोड़ा तो उन्हें भी तो पैसों की जरूरत है। हाँ लेकिन वो मेरे साथ ही रहती है, सो मैंने सोचा चलो घर की बात है, मेरा पैसा उसका पैसा है, वही वाली बात है ना। नहीं नहीं, पैसा अपना अपना, प्यार एक है, पैसा अपना अपना है ना, ये मेरे साथ है, पता मैं ये मुझे मन ही मन में पसंद करते हैं, इसीलिए जो मेरे मन में सवाल है वही पूछ रहे हैं ये कि हाँ नेक्स्ट टाइम से जब भी मुझे चेक देंगे मैं फोटो भेजूंगी आपको। काम अपनी जगह यार है ना, आर्टिस्ट अपनी जगह, पत्नी तो घर पे हूँ ना, इधर भी आर्टिस्ट हूँ, तभी दूर बैठी हूँ मैं इनके थोड़ा करीब।
दे देंगे, चलो थोड़ा बहुत निकालेंगे पैसा, ठीक है भाई। सो भारती, कपिल आपके काफी क्लोज फ्रेंड हैं, कुछ उनकी लाइफ में काफी कुछ हुआ है जी, जी, कुछ उसके बारे में कुछ बातें हुई आपकी जो आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर कहते ना नेगेटिव बातें करें ही ना हम, जो हो गया वो हो गया। अगर हमारी लाइफ से कहते ना कि खुशी के दिनों में उन चीज़ों को याद ही नहीं करते, हमने भी नहीं पूछा, क्योंकि जैसे उनके फ़ोन कॉल सुने थे ये वो, तो आपको भी लग रहा होगा कि वो कितने स्ट्रेस में है। तो एक बार बात की थी तो उन्होंने पूछा मुझे थोड़ा टाइम दे दो बेटा, मैं थोड़ा परेशान हूँ। फिर हमने कभी उनसे वो बात नहीं पूछी। आज नए शो की तैयारी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, और शादी भी हो रही है जैसे आपको सबको पता है। तो अभी खुशी का टाइम है, कहते ना वो वक्त आता है एक बार, वो रात आती है लेकिन उसके बाद दिन आता है। तो दिन आ गया है तो फिर हम रात की बातें करें ना कि भाई रात को भूत दिखा था या डर गई थी मैं, वो करें ही ना बातें। तो और सबको इंतज़ार है कि कपिल भाई वापस आए, क्योंकि रुलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, हंसाने वाले थोड़े हैं, तो जो दो तीन हैं वो वापस आने चाहिए। आप भी हंसो ना, उदास क्यों, खुश नहीं आप कि हम आ रहे हैं वापस? हाँ जी ठीक है, बस कोई और कोई सवाल नहीं, कोई पैसा वैसा मैं नहीं देता, ऐसा कोई सवाल नहीं। आप लीजिए, आपको कैसा लगता है जब भाई? आप पूछ लो कोई और, पूछ लिया पैसे वाली बात तो हो गई। कोई दिवाली तो बोली थी पूछना, क्या कर रही है ऐसा कुछ होता है ना। अच्छा हर्षी, सबसे पहले तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, बाहर कुछ आना ही पड़ेगा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। एंड ये आइडिया किसका था कि इस तरह का अपना खुद का शो लाएंगे एंड इस तरह से मीडिया बातें करेंगे, देन अब शो ऑन एयर होने वाला है 3 तारीख को? भाई मेरा आइडिया तो, मेरा सारा ध्यान कपड़ों मेकअप पे और खाने पीने पे होता है कि शाम को क्या बनेगा, फ़ोन आता घर से, ये इन्हीं का आइडिया था बेचारे, क्योंकि जब से शादी हुई थी बहुत बोझ आ गया था ना कंधों पे। नहीं एक्चुअली क्या था, हम एक बार मिलने आए थे और तब किसी और चीज़ के लिए मिलने आए थे शिमारो में, और कुछ करना था, कुछ हम सोच रहे थे कि क्या करें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग काम कर रहे थे। एंड देन सडनली हम लोग ऐसे एक दिन बैठे हुए थे ऑफिस में, एंड सडनली आया चैट शो टाइप कुछ करें क्या, एंड देन वो बात इतनी अच्छी लग गई हम सबको कि हमने उसी पे बोला चलो इस पे काम करना शुरू करते हैं, इसका एक नाम डिसाइड करते हैं, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, सेट कैसा होगा और इसको फटाफट फ्लोर पर लेके आते हैं। और मानना पड़ेगा शिमारो की टीम को कि मतलब फटाफट इतना फटाफट शो आ गया, मतलब दिवाली आ जाएगी पहले, लेकिन ये लोग जितने टाइम में लोगों की पीपीटी बनती है उतने टाइम में शो बन गया यहाँ पे। तो मतलब मानना पड़ेगा। सर आप लोगों से भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई सारे ढेर सारे शो आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग मानते हैं कि ऐसे में कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है? मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट में कोई कंपटीशन जैसी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि हर एक जो कंटेंट होता है उसकी एक ऑडियंस अलग होती है, उसकी मार्केट और उसकी अपील, एक कनेक्ट जो होता है ना वो अलग होता है। तो अगर शो पैशन से बना है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पैशन और जो एक होमली फीलिंग से जो शो बना है उससे जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वैल्यू निकल के आती है वो बहुत ही अच्छी है। तो इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि कोई कंपटीशन जैसी चीज़ है। जो अच्छी चीज़ है, अगर समझो मान लीजिए दो अच्छी फिल्में रिलीज़ होती हैं तो दोनों अगर अच्छी हैं तो दोनों फिल्में चलती हैं, जो नहीं होती है तो नहीं चलती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई कंपटीशन जैसी बात नहीं है। यार ये शो हमने जो हमारी DTH सर्विस है कॉमेडी वाली उसके लिए बनाया है। सो इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस शो वाज हाउ वी कैन एंटरटेन आवर ऑडियंस, जिससे उनका स्ट्रेस कम हो, वो होमली फील करें। यही थॉट लेके हमने कि चलो एक चैट शो बनाते हैं जिससे लोगों का स्ट्रेस कम हो, वो कॉमेडी एंजॉय करें, घर पे बैठ के फैमिली के साथ कॉमेडी देखें। सो कंपटीशन जैसा कुछ भी नहीं है। सो जस्ट द एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग एंड होपफुली विल सक्सीड इन दिस। चुप्पी हो गई बाकी। गेस्ट में कौन कौन नजर आने वाले हैं? है, देखा नहीं अभी। गेस्ट में जितने भी लोग हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनको एक घंटे पहले भी फ़ोन करो ना कि आना है तो आना ही पड़ेगा, तो वो आ गए। जैसे कि जैसे कल मनीष पॉल आने वाले थे हमारे शो में, और एक दिन पहले उनका फ़ोन, एक दिन पहले नहीं उसी सुबह फ़ोन आया कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो फिर हमको लगा कि अब क्या करें, शूट भी है सब। फिर हमने कृष्णा को फ़ोन किया एक घंटे पहले, हर्ष ने फ़ोन किया, उसने बोला हाँ भाई जिम में हूँ। भाई ऐसे ऐसा हुआ है कि आज इनकी डेट थी मनीष पॉल की, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, आपकी मतलब 4 दिन बाद की है,
तो बोलते कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ। एक घंटे में कृष्णा हमारे पास आ गए, और मतलब उनकी स्क्रिप्ट अभी लिखी भी नहीं हुई थी, बट वही जो 15-20 मिनट में लिख के जो तैयार किया वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है इस शो का। और बहुत सारे लोग हैं, मनीष पॉल नहीं है सॉरी कृष्णा है, सुदेश जी हैं, करण वाही हैं, सिद्धार्थ यादव है, अदिति भाटिया है, रिद्धिमा पंडित है, और अदा खान है, ऋत्विक है, बहुत सारे लोग हैं। बाकी देख के आप देख पता चल जाएगा, मैं भी हूँ हर्ष भी है। आपका कोई पसंदीदा जो आप जिसे आप फॉलो करती हो, पसंद करती हो, ऐसा कोई होस्ट हो? फिर से वही बात, एक ही जवाब है, कपिल भाई। उनका जो चैट शो आया था, जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जैसे चैट शो और सारी चीज़ें होती थी, लेकिन हमारा प्योर चैट शो है। जैसे उनके शोज़ में गैग भी होते थे, इंटरव्यू भी होता था, हमारा पूरा चैट शो है, इंटरव्यू बेस है, पर्सनल इंटरव्यू है कि भाई कब शादी करोगे, या फिर बीच में काम नहीं है तो अभी क्या कर रहे हो, आपके दो बच्चे हैं। जैसे कृष्णा अपने बच्चों की बात नहीं करते कभी भी, लेकिन हमारे शो पर बहुत बारी बात की है। कश्मीरा की बात नहीं करते कभी, लेकिन हमारे शो में बहुत की है। सो करण भाई को सब बोलते हैं कि लड़कियों जैसा फेस है, तो वो भी बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन मैंने तो बिंदास बोला है, क्योंकि वो उसने भी सामने से बहुत कुछ बोला है लेकिन इतना मज़ा आया ना वो शो करने का। और जैसे DTS में आपको पता ही है कि कम टाइम वाले होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट ये वो, लेकिन हम इसमें कितनी देर बात करते रहते थे, टाइम का पता ही नहीं चलता था, फिर एडिट में इनको पता चलता था क्या रखे क्या ना रखे। सो बहुत मज़ा आया, और बहुत सारे जितने भी मेरे अच्छे दोस्त हैं सब इस शो में हैं। हाँ, वो मैंने कभी भी नहीं बोला कि हमारा कोई शो आ रहा है, पता नहीं कैसे का पूछे भी ना कैसे अजीब से ही छाप देते हैं। एक बार मैं धीरे धीरे चल रही थी तो भारती बनने वाली है माँ, मतलब जब धीरे धीरे चलो तो माँ ही बनते हैं सब, वो तो ये भी कभी कभी धीरे चलते हैं तो मेरे को होता है कि जितना भी मीडिया है तो हम हैं, लेकिन कुछ इतने अच्छे लोग हैं मीडिया में, दोस्त हैं सामने से, जैसे ये हैं पूछते हैं कि भाई ये चीज़ आई है क्या, ये सही है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे नहीं पता, तो वो नहीं चाप दे। लेकिन कई जैसे अभी पत्नी से छीना पानी और खुद पी गए, बीवी मुंह देखती रह गई, ये कब किसने कब, मतलब समझ नहीं आती। और मैं ऐसी बिंदास लड़की हूँ कि जो सच है वो सच बोलती हूँ, बिना पूछे छाप देते हैं कि कृष्णा के साथ शो आ रहा है। मैं और कृष्णा कपिल भाई एक साथ कर रहे हैं शो, लेकिन तब कोई विचार नहीं था कि दोनों शो लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, पता नहीं कौन सी भारती ने बोल दिया और छाप दिया। तो जैसा कि हर चीज, जैसा कि आपने ही बताया कि जब आप अपने गेस्ट को जब बुलाते हैं, सडनली जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है एंड, तो फिर आपको किसी को दूसरे को बुलाना होता है, तो ये जो प्रेशर होता है ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अगर शाहरुख खान ने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सलमान खान जी हम रेडी रहते हैं क्योंकि हम उनको ही फोन करते हैं जिनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, है ना। जैसे कि कृष्णा के साथ हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, हम लोग साथ में जिम करते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, सारे जितने भी जो भी हमारे जो 13 गेस्ट है वो सारे दोस्त हैं हमारे, तो मतलब एवरीबडी वॉज वन कॉल अवे, और किसी को हमने मतलब 80% लोगों को डेट कंफर्म नहीं की थी, बोला था भाई कल फ्री है, बोले हाँ फ्री हूँ, कितने बजे तक, 4 बजे तक, हाँ चल तेरा 4 बजे करते हैं। तो इतने अच्छे दोस्त हैं कि सब अच्छा है कि कुछ लेता भी नहीं है, वो खाना खिला दो बस अच्छा सा तो वो इतना प्यारा है, मतलब कि जब जिस चीज़ को बोला ना कि हमारा पहला शो है, हमारे प्रोडक्शन का पहला शो है, शिमारो के साथ कर रहे हैं, अरे अच्छा उनके साथ कर रहे हैं, तो आपको और इतना मतलब बढ़ चढ़ के लोगों ने हेल्प की कि अब मैं आ जाऊँ क्या, आज है डेट फ्री, हमने बोला 13 ही एपिसोड है तो क्या करें, अभी अगला जब करेंगे तब उन सबको बुलाएंगे। इस बार कुछ अलग करेंगे, फुलझड़ी उल्टी चलाएंगे जिधर से जलती उधर से पकड़ेंगे। नहीं नहीं, फुलझड़ियाँ तो हम खैर इनकी लाइफ में आई गई है, बड़ा आलू बम। पटाखे, पटाखों से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। मेरे को तो लगता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में पेट है, उस दिन उसकी जो हालत होती है उसको कोना नहीं मिलता कि वो कहाँ छुपे। बचपन में हमने बड़े पटाखे चलाए, लेकिन अब जब धीरे धीरे समझ आई इस चीज़ की तो हाँ भी लगता है कि थोड़ा गलत है, हमको इतने नहीं चलाने चाहिए, एक आधी फुलझड़ी जलाओ और मतलब खुशी मनाओ और बस, गेट टुगेदर करो, फैमिली के साथ रहो। हम तो बहुत सारी पार्टीज़ में जाने वाले हैं और खुद भी घर में रखने वाले हो, इधर कह दिया बुलाना पड़ेगा अभी
खुद भी घर में पार्टी रखने वाले हैं, तो हम गेट टुगेदर करते कहते दिवाली वही होती है, ज़रूरी नहीं दिवाली जब आए, जब आप अपनी फैमिली के साथ खुश होते हो, वो हंसी के ठहाके लगते हैं बैठते हो, तो दिवाली उसी दिन है। तो हम अपने पेरेंट्स को, हमारे मतलब सास ससुर को, उनको पता नहीं है कि हम बिज़ी हैं कि नहीं, लेकिन हम उस दिन फ्री हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि बहू और बेटा पूरा दिन घर पे आया है, ऐसे होगा। मतलब सासू माँ तो इतनी खुश हो जाती हैं कि जिस दिन हम दोनों घर पे, वो पूछती रहती है हर 15 मिनट बाद क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाया, ना ऐसी सास सबको मिले। नहीं नहीं इतने क्लोज नहीं बिल्कुल। किंग खान को मैं यही कहना चाहूँगी कि हैप्पी बर्थडे, आप सुपरस्टार हैं और हमेशा ही रहेंगे। जब टीवी पे देखते थे जब छोटी थी तो होता था कभी उनसे बात कर पाएंगे क्या, लेकिन आज जब उनके साथ कभी कभी हमारे शोज़ पे आते हैं अपनी फिल्मों के लिए, इतना मतलब कभी कभी डर लगता है कि ये ब्रीफ करें, सर आपको ना फ्रॉक पहननी है, ए फ्रॉक पहन, मतलब ओके। तो वो मैंने और हर्ष ने हम सब लोग एक बार उनकी वैन में गए उनको ब्रीफ करने, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, फिर पढ़ के उन्होंने इनको बताई भी कि ऐसे बोलूँ चलेगा, सर मैं एक लाइन चेंज कर सकता हूँ। तो हम लोग को इतना ऐसा लगा कि जितना बड़ा आदमी उतना डाउन टू अर्थ, कि सर मैं ये लाइन चेंज कर सकता हूँ, क्यों स्क्रिप्ट अपने हिसाब से लिखी होती है। तो हम वही बातें करते रहे और मैं उनकी मतलब वो शाहरुख खान पहले शख्स हैं जिन मतलब जिन्होंने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया था। एक्चुअली वो हमारे एक शो में आए थे दिलवाले की प्रमोशन के लिए, तो गेरुआ गाना हम कर रहे थे, तो एक सीन था जिसमें मैंने उनको किस करनी थी, तो मैं ऐसे किस करने लगी तो उनका गला आ गया, तो इधर किस हो गई, फिर उन्होंने भी पकड़ के मेरे इधर उधर कर ली, अच्छा तो लगा था लेकिन मैं बड़ी एम्बेरेस हुई थी, मैं क्या भाई शाहरुख खान ने पप्पियाँ कर ली इतनी सारी। लेकिन वो इतने अच्छे हैं, शूट चल रहा होता है बीच में पानी पी, एक मैं पानी पी सकता हूँ पूछ पूछ के, वरना वो बोले रोको पानी पीना तो कोई बोल थोड़ी सकता है कुछ। सो इसीलिए 2 तारीख को उनका बर्थडे है और 3 तारीख को हमारा शो लॉन्च हो रहा है, तो SRK को यही कहूँगी कि प्लीज़ बर्थडे मनाने के बाद, सब्सक्रिप्शन 5 रुपया है वो करके भाई, बर्थडे मनाने के बाद तुरंत 3 तारीख को मेरा शो देखना और फिर बताना ऐसे ऐसे करके कि कैसा लगा, और होप सो कि हमारा शो इतना बड़ा हो जाए कि हम अपनी फिल्म के लिए वो हमारे शो में आए। क्यों हर्ष? जरूर जरूर, मुझे पता है केक का, केक लेके जाइए। थैंक यू सो मच, और जितने भी हमें प्यार करते हैं हमारे फैंस शमारू के व्यूअर्स से जितने, उन सबको मेरे हर्ष और हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू।